हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम पीएचपी में फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि फंक्शन होते क्या हैं। तो फंक्शंस जो हैं वो एक सेगमेंट ऑफ कोड है जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपली अगर हमें कोई भी काम एक से ज़्यादा बार करवाना है तो हम वहाँ पर उसका एक फंक्शन बना सकते हैं, ताकि क्या हो, जब भी हमें वो काम करवाना हो हम उसके लिए एक फंक्शन कॉल कर दें। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दो नंबर्स हैं, उन्हें प्लस भी करवाना है, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई करवाना है और उसको रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है, और इस तरह का काम हमने 50 बार करना है। तो हम क्या करें, या तो 50 बार ये सेम कोड लिखें, या एक हम फंक्शन बना दें जिसके अंदर ये सभी काम हो और 50 बार उस फंक्शन को कॉल कर दें। तो इससे क्या होगा, काम आसान हो गया, कोड रिड्यूस हो गया। ये है फ़ायदा फंक्शन का। तो आइए देखते हैं हम पीएचपी में फंक्शन कैसे बना सकते हैं इस छोटे से एग्जांपल की मदद से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, पीएचपी टैग शुरू किया, देन ये है फंक्शन। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड आएगा, देन नेम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, एंड देन ये आते हैं पैरेंथेसिस। यहाँ पर अभी इसे खाली छोड़ा है, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं जिसके बारे में अभी हम कुछ देर में सीखेंगे। तो सिंपली क्या लिखा, फंक्शन, देन फंक्शन का नाम हेलो, एंड देन कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी हमें हेलो फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करें क्या करवाना है वो स्टेटमेंट्स। यहाँ पर सिंपली क्या किया, इको में h1 टैग के अंदर हेलो, मीन्स सिंपली ये हेलो को प्रिंट कर देगा h1 टैग में, जो कि html का टैग है। ओके, तो ये है सिंपल। एंड देन इसको जब कॉल करना है वो कैसे कर सकते हैं, ये रहा उसके लिए हेलो पैरेंथेसिस, इससे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा एंड सेमीकोलन, क्योंकि उसका एंड उसको टर्मिनेट करने के लिए, और ये कह सकते हैं वो जो स्टेटमेंट है उसे एंड उसका एंड बताने के लिए ये सिंपली क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करेगा। तो बात आती है आर्ग्यूमेंट्स की। अब एग्जांपल लेते हैं कि हमें दो नंबर्स का एडिशन करवाना है, तो हमें वो दो नंबर अपने फंक्शन में पास करने पड़ेंगे, तो वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर देखिए, अब दो नंबर का एडिशन करवाने के लिए फंक्शन, नया फंक्शन कीवर्ड, देन एड नम्स, ये हमारा फंक्शन का नाम, देन हमें एज दो वेरिएबल्स चाहिए जो कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब आएंगे, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए। यहाँ पर डॉलर नम वन एंड डॉलर नम टू, मीन्स दो वेरिएबल्स, एक नम वन एंड एक नम टू। जो भी हम वैल्यू आगे फंक्शन को कॉल करते हुए पास करेंगे वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हमने इसके अंदर क्या किया, रिज़ल्ट एक वेरिएबल लिया जिसमें इन दोनों को एडिशन करके रिज़ल्ट में सेव कर दिया। देन रिटर्न रिजल्ट, मीन्स जहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है उसको क्या वैल्यू रिटर्न करें, उसको रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न करेगा। जहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और उसे हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। सिंपल, इस फंक्शन में क्या किया, एड नम जिसमें दो नंबर्स एज ए आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, इसको कॉल करने के लिए क्या किया, यहाँ पर डॉलर ए जो कि इस रिजल्ट की वैल्यू को सेव करेगा इज इक्वल टू एड नम्स जो हमने ये फंक्शन देन दो आर्ग्यूमेंट जो हमने दो वैल्यूज पास की है 2 और 5, 2 जाएगी नम वन में एंड 5 जाएगी नम टू में, इसका एडिशन परफॉर्म होगा, रिजल्ट आएगा एंड रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। देन इको ए की वैल्यू को सिंपली प्रिंट किया है। तो ये है दो फंक्शंस एंड दो फंक्शन को कॉल किया। तो आइए इसकी आउटपुट देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले इसे सेव करना है, मैं इसे सेव कर चुका हूँ function.php नाम से, वेम के फोल्डर में, www फोल्डर में, ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में। तो आप वेम सर्वर ऑन कीजिए, लोकल होस्ट चलाइए, देम ट्यूटोरियल function.php, ये रहा हेलो ए इज इक्वल टू 7, ये इसकी आउटपुट आ गई। हेलो आया हेलो फंक्शन से, 7 आया एड नम्स फंक्शन से। तो ये है फंक्शंस के बारे में। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, रन कीजिए एंड और सीखिए। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम पीएचपी में फंक्शंस विद डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में सीखेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, हम एक एग्जांपल से सीखते हैं कि ये होते क्या हैं और इन्हें क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कीवर्ड लिखा, देन फंक्शन का नेम दिया एड नम्स। यहाँ पर हम दो नंबर को एडिशन कर रहे हैं। देन पैरेंथेसिस में हमने दो आर्गुमेंट्स पास किए, नम वन एंड नम टू। देन हमने जो कर्ली ब्रेसिस हैं उनके अंदर रिजल्ट आया इन दो नंबर्स को ऐड करके, जिसे हमने रिटर्न कर दिया नेक्स्ट स्टेटमेंट में। सिंपल। देन ये जो हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं इनमें क्या कर रहे हैं हम, डॉलर नम वन ये हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जब भी हमें कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट करनी होती है हम यहाँ पर कर सकते हैं, ज़ीरो या वट एवर वी वॉन्ट, जो भी हम चाहते हैं। देन डॉलर नम टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर मैंने नम टू की भी ज़ीरो सेट कर दी। अब इससे होगा क्या, मान लीजिए मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ जिसमें मैं एक भी वैल्यू पास ही नहीं करता, तो वहाँ पर ये फंक्शन वहाँ पर भी कॉल हो सकेगा। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट ना करते तो एक कॉल नहीं होता, लेकिन हम उसमें भी कॉल हो सकेगा, लेकिन ये वैल्यूज़ क्या लेगा जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, मीन्स ज़ीरो एंड ज़ीरो। अगर मैं एक वैल्यू के साथ पास करता हूँ तो क्या होगा, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसकी जो वैल्यू होगी वो पास हो जाएगी, मीन्स मान लीजिए मैं टू पास कर देता हूँ तो नम वन की वैल्यू तो टू बन जाएगी, नम टू ज़ीरो। अगर मैं दोनों वैल्यू पास करता हूँ तो क्या होगा, जो पहली वैल्यू होगी वो नम वन में आ जाएगी, जो दूसरी होगी वो नम टू में आ जाएगी। तो इससे हुआ क्या, हमने क्या किया, एक ही फंक्शन को हम तीन तरह से यूज़ कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। अगर पास नहीं करते तो भी आ रहा है, पास करते हैं तो भी आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर मैंने तीन बार ये फंक्शन कॉल किया, डॉलर ए में क्या वैल्यू आई, एड नम्स खाली पैरेंथेसिस, मींस कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, मींस जीरो एंड ज़ीरो, रिजल्ट क्या आएगा ज़ीरो, जो कि यहाँ पर प्रिंट करवाया है। ए इज़ इक्वल टू डॉलर ए, बी आर ब्रेक लाइन के लिए, बी इज इक्वल टू डॉलर बी ब्रेक लाइन, देन सी इज इक्वल टू डॉलर सी। एंड देन डॉलर बी में क्या किया, एड नम्स एक आर्ग्यूमेंट पास किया जिसकी वैल्यू क्या थी टू, मीन्स नम वन की वैल्यू टू हो जाएगी, नम टू ज़ीरो, तो रिजल्ट क्या आएगा टू। एंड डॉलर सी में दोनों वैल्यूज पास की, टू एंड फाइव, तो रिजल्ट क्या आएगा सेवन। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले सेव किया, देन वेब सर्वर ऑन करेंगे। मैंने इसे सेव किया है फंक्शन आर्ग्यूमेंट डॉट पी एच पी नाम से, ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में। तो वेब सर्वर ऑन किया, लोकल होस्ट ऑन किया, एंड देन इसको रन करने के लिए ट्यूटोरियल फंक्शन आर्ग्यूमेंट ये रहा, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इज इक्वल टू टू, एंड सी इज इक्वल टू सेवन। तो ये है हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए था। तो ये है फंक्शंस विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम पीएचपी में फंक्शन विद रेफरेंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि फंक्शन विद रेफरेंस बाकी फंक्शन से किस तरह से डिफरेंट है। जब हम बाकी फंक्शंस की बात करते हैं उनमें हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो होता क्या है, एक नया वेरिएबल बनता है, उसमें जो हम वैल्यू पास करते हैं वो उसमें कॉपी होती है, और जो भी हम चेंज करते हैं फंक्शन के अंदर उस आर्ग्यूमेंट में, सिर्फ वो वहीं तक ही चेंज एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो एक नए वेरिएबल में चेंज होता है। लेकिन अगर हम आर्ग्यूमेंट के अंदर एक हम रेफरेंस पास करें तो क्या होगा, जो ओरिजिनल वेरिएबल होगा उसके अंदर ही चेंजेस आएंगे। ये होता है फंक्शन विद रेफरेंस। ओके, तो एक एग्जांपल से देखते हैं हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया, तीन स्ट्रिंग ली, डॉलर ए वन, डॉलर ए टू एंड डॉलर ए थ्री, मतलब ए वन ए टू ए थ्री। ए वन में लिखा सी एच ए एम पी चैम्प,
एम कैपिटल एंड सी कैपिटल। ए टू में लिखा महिपाल सभी कैपिटल्स एंड ए थ्री में लिखा पी एच पी स्मॉल में, सिंपल। देन इको डॉलर ए वन डॉलर ए टू एंड डॉलर ए थ्री बी आर फॉर ब्रेकिंग द लाइन, मतलब यहाँ पर मैंने तीनों को स्पेस देकर प्रिंट किया। अब मैंने एक फंक्शन कॉल किया फिक्स नेम्स, जिसमें मैंने तीनों को पास किया एंड फिक्स नेम में मैंने क्या किया, फंक्शन फिक्स नेम्स डॉलर एन वन डॉलर एन टू एंड डॉलर एन थ्री, सॉरी एम्परसेंट एन वन एम्परसेंट एन टू एंड एम्परसेंट एन थ्री। अब इस एम्परसेंट का क्या मतलब है, इस एम्परसेंट का मतलब है रेफरेंस। यहाँ पर जो भी आएगा उसका एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, उसका रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी हम चेंज इस फंक्शन में एन वन पे करेंगे वो डायरेक्टली ए टू के ऊपर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नया वेरिएबल नहीं बना, उसी वेरिएबल में ही चेंज हो रहा है। और हमने अंदर क्या किया, डॉलर एन वन क्या हो स्ट्रिंग टू लोअर, ये एक स्ट्रिंग का फंक्शन है जो कि उसे लोअर केस में कन्वर्ट करता है। इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होता है स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर एन वन पास किया, नेक्स्ट में एन टू एंड नेक्स्ट में एन थ्री, तो मतलब ये तीनों स्ट्रिंग्स को लोअर में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही कंट्रोल फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर से हमने तीनों को प्रिंट किया है। सिंपली हमने बड़ा ही इजी चीज़ की है, तीन स्ट्रिंग्स ली, उनके ऊपर फंक्शन लगाया जिसमें हमने रेफरेंस पास किया एंड उसको कॉल करके उसके बाद वापस हमने उसे प्रिंट करवाया है, सिंपली। तो आइए इसे सेव करके रन करके देखते हैं। मैं इसे सेव कर चुका हूँ फंक्शन रेफरेंस डॉट पी एच पी नाम से ट्यूटोरियल फोल्डर में www में। आप वेब सर्वर ऑन कीजिए, देन लोकल होस्ट, देन यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे फंक्शन रेफरेंस डॉट पी एच पी। ये रहा चैम महिपल पी एच पी जो हमारा ओरिजिनल था, चेंज होने के बाद ये आ गया। अगर हम यहाँ से एम्परसेंट हटा देते हैं तो क्या होगा, ये देखिए, इसको मैंने सेव किया, देन ये देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, और ये है फंक्शन विद रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच।